हे एवरी वन दिस इज चांदी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ड्रीन और जैसे कि हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर ऑफ बुक विच इज द लिटिल गर्ल तो ये चैप्टर की लाइन बाई लाइन एक्सप्लेनेशन हम लोग कवर कर चुके हैं इन प्रीवियस टू वीडियोज नाउ वी विल सी कंप्लीट समरी ऑफ दिस चैप्टर सो दैट वी गेट एन ओवर व्यू फॉर ऑल द आंसर्स दैट वी हैव टू राइट पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस चैप्टर तो इस पूरे चैप्टर की जो स्टोरी है इट्स वेरी सिंपल एंड इवीट निकेटेड अबाउट इट सो वी आर वेरी मच क्लियर की तो हमें पता है कि यहाँ अगर हम बात करते हैं अबाउट द टाइटल ऑफ द स्टोरी दैट इज द लिटिल गर्ल तो यहाँ पर द लिटिल गर्ल कौन है मेन कैरेक्टर ऑफ आर स्टोरी तो उन्हीं के बेस पे क्या लिखा हुआ है चैप्टर का नाम लिटिल गर्ल नाउ दिस चैप्टर इज रिटन बाय के थ्री इन मैं और ये जो ऑथर हैं उन्होंने इस चैप्टर में एक यू नो पेरेंट्स और बच्चों का जो रिलेशनशिप है जो बॉन्ड है उसे पोर्ट्रेट किया है दैट इज कैसे यू नो व्हेन वी आर यंग जब हम बहुत छोटे होते हैं ऑब्वियसली वी आर नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द सिचुएशंस या फिर क्या गलत है क्या सही है और द रीजन बिहाइंड कि क्यों होता है हमारे साथ बट इन द लाइफ तो तब जब भी हमारे पेरेंट्स यू नो यूज़ टू बी स्ट्रिक्ट विध आज डिसिप्लिन में रहें बिल्कुल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखते हैं दे समाइम्स दूस टू टॉक यू नो हार्शली विथ आर्स तो हमें क्या लगता था कि पेरेंट्स जो है बहुत बुरे हैं बिकॉज पता नहीं क्यों चिल्लाते रहते हैं हमारे जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स तो इस तरीके से बिहेव नहीं करते बिकॉज वी हैव नेवर सीन अदर पेरेंट्स लाइक दिस एंड वी थिंक कि ओनली आर पेरेंट्स और आर फादर और आर मदर इज दी वन जो कि इस तरीके से यू नो हार्शली हमारे साथ बिहेव करते हैं बट दैट इज नॉट दिसारियो बट हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस फ्टर समयर्स जब हम यू नो मेचोर इनफ जाते हैं टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि क्यों यू you नो know, हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है हमारे साथ या फिर क्यों हमें चिल्लाया था वंस अपॉन अ टाइम क्यों हमें मार पड़ी थी सो ऑल दीज थिंग्स जो हैं हम तभी समझ पाते हैं वैन बी अटेन सर्टेन एज और वैन बी यू नो कम अक्रॉस सर्टेन सिचुएशन फॉर एग्जाम्पल इन दिस चैप्टर ऑल्सो कीजिया वॉज वेरी मच अफ्रेड ऑफ अ फादर क्योंकि उनके फादर जो हैं वो डिसिप्लिनड थे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे थोड़ा हार्शली बात करते थे कीजिया से नॉट बिकॉज कि ही नेवर लव्ड कीजिया बट बिकॉज ही वज टू बी टायर्ड ऑफ हिज वर्क और बहुत ज़्यादा थक जाते थे जब ऑफिस से आते थे तो मे बी कुछ और भी सर्कमस्टांसिस होंगे उनकी लाइफ में कुछ और सिचुएशंस होंगी जिसके बारे में हमें बताया नहीं है बट वी कैन अंडरस्टैंड इट सो बिकॉज ऑफ दैट उनका ये जो बिहेवियर था कीजिया की तरफ इट वॉज सच ऑफ सॉट राइट बट कीजिया जो है बिकॉज शी इज़ अ वेरी यंग गर्ल छोटी बच्ची है तो शी इज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि क्यों उनके फादर जो इतने है हार्श हैं क्यों इतना ज़्यादा यू नो उनसे ऐसे बात करते हैं स्ट्रिक्टली क्यों डांटते रहते हैं एंड कीजिया इज नाई कि माई फादर इज जो कि एक जायंट है यानी कि वो बहुत ज्यादा डरती है उनको देखकर एंड शी ऑलवेज अवॉइडेड टॉकिंग टू हर फादर बिकॉज शी वॉज अफ्रेड कि कुछ ना कुछ डांट पड़ जाएगी एंड ऑल इवन ये भी मैंशन किया गया है इन द बिगिनिंग दैट वेन कीजिया फादर यूज टू लीव फॉर इज ऑफिस तो एवरी मॉर्निंग वो कीजिया के रूम में जाते थे ही यूज टू गिव अ कैजुअल किस ऑन चीक्स ऑफ Uh, कीजिया और इसके बाद जैसे ही वो ऑफिस के लिए निकलते थे एंड कीजिया एबल टू यू नो हियर दैट कि उनकी जो व्हीकल का साउंड है वेरी यू नो बोल सकते हो कि अजीब बात है बिकॉज ऑब्वियसली चीज एक छोटी बच्ची के दिमाग में आना कि फादर जो है वो जा रहे हैं ऑफिस के लिए दिस इज अ सेंस ऑफ रिलीफ वट इज सेंस ऑफ रिलीफ फॉर पेरेंट्स विद राइट तो यहाँ कीजिया का जो माइंडसेट बन चुका है अपने फादर के लिए दैट इज समथिंग बिकॉज़ उनके फादर उनके साथ स्ट्रिक्ट हैं उनके साथ खेलते नहीं हैं टाइम स्पेंड नहीं करते हैं बातचीत नहीं होती है इतनी सो शी इज लाइक कि फादर्स यू नो ऐसे ही होते होंगे बट स्लोली एंड स्टेडीली जो भी सिचुएशंस की बात की गई है इस चैप्टर में दैट इज यू नो जो बोथ गिफ्ट के लिए बात हुई है कि उनकी जो ग्रैंड मदर हैं कीजिया की वो उन्हें समझाती हैं कि क्यों ना यू नो तुम अपने फादर के बर्थडे के लिए बिच वॉज कमिंग द फॉलोइंग वीक यानी जो नेक्स्ट वीक है उस टाइम पे उनके बर्थडे पापा का बर्थडे आने वाला था तो द तो, ग्रैंड मदर वॉज लाइक वाई डोंट यू मेक अ गिफ्ट फॉर योर फादर इट वुड बी वेरी गुड और वो गिफ्ट भी गिफ्ट का आइडिया भी देती है एक पिन क्वेश्चन बनाओ और उनको एक येलो कलर का सिल्क क्लॉथ भी देती हैं नाउ कीजिया इज ऑल्सो एक्साइटेड मे बी शी वॉज लाइक कि यू नो मेरे फादर को अच्छा लगेगा मे बी दिस टाइम वो है यू नो वो प्यार से बात करेंगे दैट अफेक्शन शील बी एबल टू रिसीव फ्रॉम हर फादर सो शी इज़ ऑल्सो हैप्पीली यू नो एफर्ट

ट इज समिंग जो की कीजिया को और ज्यादा डरा देता है या फिर उनके पापा के लिए जो भी उनकी इमेज थी वो उतनी ही नेगेटिव होती जाती है कीजिया की माइंड में बट डिसम नो वी नो एट दी एंड जो सिचुएशन होती है यू you नो know, की कीजिया के फादर इज जब कीजिया को नाइट मैज आते हैं उनके पापा उनको यू you नो know, अच्छे से लेकर जाते हैं अपने बेड पर सुते हैं उसको प्यार से यू you नो know, उसके साथ ही सो जाते हैं देन कीजिया इज यू नो एबल टू अंडरस्टैंड की जैसे वो सोचती हैं अपने फादर के लिए वैसा कुछ नहीं है इट्स जस्ट दैट उनके फादर जो है, वो थक जाते हैं ऑफिस से आते वक्त और नो, इनके पास यमुना इत, एनर्जी नहीं होती इतना टाइम नहीं होता कि वो के साथ खेल सके जैसे कि उनके नेबर्स मेकडोनल्ड करते हैं तो तब उनको समझ आता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि सेपरेट डिफरेंट फादर्स होते हैं इट्स जस्ट फादर के पास टाइम नहीं है अदरवाइज पर्सन एंड ही बिग

कीजिया वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ her फादर एंड अवॉइडेड हिम एज मच एज शी could. तो हमेशा ही वो डरी हुई रहती थी उन्होंने अपने पापा से और कोशिश ये करती थी कि वो अवॉइड करे अपने पापा से बात करना उनके सामने जाना शी लाइक फॉर एग्जाम्पल जब ये बात होती है कि उनके पापा एवरी इवनिंग जब वापस आते थे तो यूज टू शाउट लाइक कहाँ है न्यूज पेपर मेरी चाय कहाँ है देन कीजिया की मम्मा उनको बुलाती है कि फ्यूर अ गुड गर्ल कम डाउन और पापा के बूट्स यू नो निकालो तो कीज़ियाँ जो हैं बिल्कुल अनविलिंगली आती हैं स्टेयर से नीचे दैट मीन्स वॉट कि वो अवॉइड वो करती थी अपने पापा से मिलना उनसे बात करना बिकॉज शी वॉज ऑफ़ द व्यू दैट अगर वो अपने पापा से मिलेंगी अगेन वो बहुत ज़्यादा सीरियस लुक देंगे वो डर जाएंगी या फिर डाट पाट पड़ जाएगी तो शी वॉज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ अर फादर एंड यू नो शी ऑलवेज बोल सकते हो डिड एफर्ट टू अवॉइड हर फादर शी ऑलवेज फेल्ट रिलीव्ड वेन एवर हिज फादर लेव फॉर वर्क और ये चीज़ जो है वो यहाँ पे प्रूफ करती हैं कि जब भी उनके पापा जो है घर के लिए सॉरी ऑफिस के लिए निकल जाते थे तो जैसे जैसे उनको लग समझ आ जाता था, था कीजिया को कि हाँ पापा अब चले गए ऑफिस दैट वॉज समथिंग विच वॉज अ सेंस ऑफ रिलीफ फॉर हर एंड दिस इज समथिंग प्रूफ दैट कि वो कितना डरी हुई थी अपने पापा से

One, कि वो प्रॉब्लम है किसी के साथ वो नहीं बोल पाते हैं एक फ्लो में एंड सेकेंडली वेन यू आर नर्वस वेन यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ या फिर आप किसी के सामने चले जाते हो जो, जिसके सामने आपको तो लगता है बात करते हैं दैट इज हम स्टैमर करने लगता है तो यहां पर भी वही चीज प्रूफ हुई है कि बिकॉज यू नो स्टैमर जो उनके फादर है इतना डरी हुई थी

Her her to her उनकी ग्रांड मदर ओब्वियसलीजिया और उनके पापा के बीच में इतना अच्छा बॉन्ड नहीं है तो शी वॉज टू टेल की गो डाउन स्टेस जहां पर उन्होंने वहां जाके अपने मम्मी और पापा से बातचीत करने की कोशिश करो बिकॉज कम्युनिकेशन इज द की फॉर एवरी प्रॉब्लम तो जब तक तो कॉन्वर्जेशन नहीं होगा तो हाउ वुड कीजिया भी एबल टू फॉर्म दैट बॉन्ड विद हर पेरेंट्स तो वो यही करती थी ठीक है जैसे उनकी ग्रैंड मदर बोलती थी शूज टू तो गो डाउन जहाँ पे उनके फादर नो, you know, सो रहे होते थे ऑन द सोफा और उनकी मम्मा कुछ ना कुछ पढ़ रही होती थी And would ask her to go to the drawing room to chat with her parents on Sunday afternoon, but she found them indifferent towards her. But the thing is, कि kizia की जो mama है she was busy reading something. And also, उनके जो पापा बिकॉज उनको एक ही छुट्टी मिलती होगी लाइक संडेज को तो ही टू टेक रेस्ट और एक मस्त साउंड स्लीप लेते थे वो अच्छे से सो जाते थे ऑन द सोफा तो शी फाउंड यू नो कीजीआई टू थिंक वो लोग इस तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हैं जैसे कि वो एक्सपेक्ट करी थी शी वेंट विद्यू पॉइंट कि मुझे जो नो जाकर बातचीत करनी है अपनी मम्मी पापा से बट ऑब्वियसली दे विजी इन ऑल यू नो इन दैर थिंग्स ओनली तो इसकी वजह से शी वॉज नॉट एबल टू तो इंटरेक्ट विद प्रॉपरली Even on Sundays. So, this is something which made her to feel that maybe you know, unke parents have indifferent behave. Karte hai unke Clear? Alright. One day when Kizia was home due to cold, her grandmother advised her that she should make a pincushion as a gift for her father's birthday that was coming the following week. नाउ वी डिस्कस अबाउट वन इवेंट दैट इज की जब एक बार कीजिया जो है उनको बिकॉज शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड शी वॉज देर एट होम तो उनकी ग्रैंड मदर उनको बोलती है वाई डोंट यू मेक अ गिफ्ट फॉर योर फादर क्योंकि उनका बर्थडे आ रहा है द फॉलोइंग वीक द नेक्स्ट वीक एंड दैट गिफ्ट सजेशन वॉज टू मेक अ पिन क्वेश्चन तो यहाँ पे वही कीजिया बोलती है कि यू नो कीजिया की मदर बोलती है ग्रैंड मदर सॉरी कि वाई डोंट यू मेक अ गिफ्ट क्योंकि उनको भी पता है शी कि दिस वुड बी समथिंग वेरी स्वीट फ्रॉम कीजिया साइड और मे बी एक स्टेप फॉरवर्ड बढ़ेंगे और इनका एक बॉन्ड बन जाएगा कीजिया और उनके फादर का तो शी इज ऑल्सो लाइक ओके आई विल किंग अ गिफ्ट सो किच द्री साइड ऑफ द क्वेश्चन लेबोरिसली एंड कैप टू वन साइड ओपन टू स्टफ द केस विद समथिंग तो यहाँ पे क्या बोला है किजिया ने विथ लॉर्ड ऑफ एफर्ट्स बहुत मेहनत करके तीन साइड्स तो स्यू कर लिए क्वेश्चन के बट फोर्थ साइड स्यू करने के पहले ऑब्वियसली शी हेड टू फिल समथिंग इन साइड द क्लोथ अगर अदरवाइज वो क्या होता है वो क्वेश्चन नहीं होता इट वुड बी अ क्लोथ जस्ट राइट तो वो जो है फिलिंग के लिए शी जस्ट लेफ्ट वन साइड अनस्टिच क्योंकि वो उसके बाद फिल करती है देन शी वुड स्टिच इट अब यहाँ पर यू नो यू हैव टू की माइंड कि जब भी आप आंसर्स मेंशन कर रहे हो ट्राई टू यूज वर्ड्स जो कि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स चैप्टर में गिवन है क्लियर एवरी चैप्टर हैज हाइलाइटेड वर्ड्स जो कि यू you नो know, आप मीनिंग सर्च करते हो जिसके या फिर आपने कभी सुने नहीं होते हैं यूज दोज वर्ड्स इन योर आंसर्स तो क्या होगा वो थोड़ा और अच्छे प्रेजेंटेबल लगेंगे अदरवाइज वॉट यू विल डू अगर आप यहाँ पे लिख देते होट ऑफ एफर्ट्स उसकी जगह एक वर्ड लिख देते हो लेबोसली वॉट वुड साउंड बेटर टू यू ऑब्वियसलीबोरसली राइट सो ऑलवेज ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर्स बिकॉज इट गोइंग टू यू नो बोल सकते हो डेकोरेटेड मोर और बहुत ब्यूटिफुल लगेंगे आपके आंसर्स एंड केट वन साइड ओपन टू स्टफ इट विद समिंग

तो शी वॉज लुकिंग फॉर समथिंग जो कि यूजलेस है एंड नाउ दीज शीट्स ऑफ पेपर आर समथिंग जो कि बच्चों के लिए क्या होता है कि कुछ ऐसे ही है काम की चीज तो इंपॉर्टेंट तो है नहीं राइट right?

ट हैपन्ड वेन कीजिया वॉज प्रिपेरिंग अ गिफ्ट फॉर हर फादर और या फिर बोल सकते हैं कि ऑल एफर्ट्स अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर वेंट इन वेन यानी कि यूजलेस होगा सब बिल्कुल वेस्ट हो गया ऑब्वियसली उसकी वजह से उसको डांट भी पड़ती है लेटर इन द स्टोरी तो इस तरीके के जो पॉइंटर्स है यू हैव टू की राइट यूर आंसर क्लियर तो ये जो है वो फाइनली पिन क्वेश्चन बना लेती है हाउस एज कीजिया फादर वॉज नॉट एबल टू फाइंड हिस्स पेपर दैट हैिटी अब उस रात को यानी कि द डे वेन कीजिया प्रिपेर अ गिफ्ट फॉर हर फादर उस रात को उनके फादर जो हैं वो बहुत गुस्से में थे एंड देर वॉज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस इसका मतलब बहुत ज़्यादा यू you नो know, गुस्से में थे और इस तरीके का एंग्री यू नो मोड था सबका क्यों बिकॉज उनके जो फादर हैं वो अपनी एक स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी जो थी वो नहीं ढूंढ पा रहे थे ही वॉज नॉट एबल टू फाइंड दोज पेपर्स वेन कीजियर्स मदर केम टू नो दैट द लिटिल गर्ल हैड टॉन दियोज शीट्स ऑफ पेपर शी कॉल्ड हर डॉटर टू द ड्राइंग रूम इमीडिएटली

नहीं पता था कि वो इम्पॉर्टेंट पेपर है ना एज हर मादर केम टू नो किसिया है पूरे फाड़ वाड़ दिए नो बड़ा ब्लंडर हो गया है सो शी कॉल्ड हर डॉटर और शी ड्रैग्ड हर डॉटर टू द एरिया जहाँ पे उनके फादर बैठे थे दैट इज ड्राॅइंगी विद हर एंड नॉट इवन लिसन टू द रीजन वाई शी टोर द शीट्स ऑफ ना उनके जो फापा हैं वो हैंड्स फोल्ड करके खड़े हैं यहाँ पर एंड ही इज वॉकिंग टू एंड फ्रो बिकॉज ही इज वेरी मच टेंस्ड एज वो जो पेपर्स हैं दे वर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम सो so, ये जो पेपर्स उनको नहीं मिल रहे हैं तो ही इज ऑलरेडी वेरी मच फ्रस्ट्रेटेड एंड बिल्कुल उस पर चेरी ऑन द केक क्या हो जाता है कि उनको यह पता चल जाता है कि कीजिया इज द वन जिसने वो पेपर्स यूज किए हैं सो दिस इज समथिंग जो कि बहुत ज्यादा यू नो उनके लिए और उनके गुस्से को बढ़ा देता है एंड ही इज नॉट रेडी टू इवन लिसन टू कीजिया कि व्हाट वाज द रीजन शी यूज्ड दोस शीट्स ऑफ पेपर ही पनिश्ड हर विद अ रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम्स एंड नाउ वी नो कि वो कीजिया की मॉम को बोल देते हैं जस्ट टेक दिस गर्ल इन द रूम और उसको अभी के अभी सुला दो एंड एज वेंट की रूम वो रो रही हैं देर इज यू नो बहुत ज्यादा डार्कनेस है रूम you know, में एंड पूरा सैड सा इन्वायरमेंट है इन द रूम बिकॉज शी इज नॉट यू नो एबल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि जो चीज़ मैंने अच्छे के लिए की थी और या फिर जो रीजन मेरा था दैट वॉर समथिंग गुड मतलब शी यूज दो शीट्स ऑफ पेपर विद अ गुड इंटेंशन तो वो समझ नहीं पाती है कि वाई हर फादर यू नो ट्रीटेड हर लाइक दिस और उसके भी अलावा क्या हुआ है डाटा तो ठीक बट उनके पापा जो है वो रूलर के साथ जाते हैं एंड वो रूलर से मारते हैं किसके हम्स पे पाम्स पे सॉरी कीजिया के कीजिया क्राइड लॉट could शी understand why शी was punished फॉर स्पीकिंग द ट्रूथ एंड एक्सेप्टिंग द मिस्टेक दैट शी had

शी वॉज बींग ट्रीटेड लाइक दिस एंड इसका रीजन नहीं समझ आ रहा था तो शी वॉज लाइक मे बी मेरे फादर ही ऐसे है गुड पर्सन और वो मुझे मार रहे थे मुझसे प्यार नहीं करते मे बी या फिर वो ऐसे अच्छे फादर है ही नहीं

लेटर इन द इवनिंग शी सो मिस्टर मैकडोनल्ड अब एक सिचुएशन आती है जहां पे इन्हों दो टाइप के फादर्स को कंपेयर करने का आपका क्वेश्चन आ सकता है दैट कम्पेयर द परसपेक्टिव ऑफ कीजिया अबाउट फादर्स या फिर

बच्चे हैं ही हैज फाइव चिल्ड्रेन और वो बच्चों को यू you नो know, उनके साथ बढ़िया खेल रहे हैं जो छोटा बेबी है माओ ही इज देयर ऑन शोल्डर्स ऑफ यू नो हर हिज फादर देन टू गर्ल्स आर यू नो होल्डिंग द पॉकेट्स ऑफ दिस मैन और दो बॉइज है वो भी, you know, ये कर रहे हैं और खेल रहे हैं तो दिस इज समथिंग जो नॉर्मली नहीं होता कीजिया के साथ तो शी वाज लाइक कि नहीं नहीं अच्छे फादर्स भी होते हैं

स नहीं होती अकेला

अगेन सी अ नाइट मेयर आई डोंट इवन हैव ग्रैंड मदर टू यू नो जस्ट मेक मी और गो मेक मी टू गो टू स्लीप अगेन तो वो जो लव और वो अफेक्शन जो है वो कंसोल करने का जो चीज़ है वो कोई नहीं होगा देने के लिए तो कीजिया वॉज वरी सो दैट्स वाई यू नो डे टाइम वॉज ओके विथ हर बट नाइट टाइम वॉज समथिंग डिफरेंट और वॉज समथिंग जो कि उनके you know, इतना ज़्यादा ईजी नहीं था ऑल राइट right. That day also she woke up in the middle of the night screaming as she had a dreadful nightmare. अब उस दिन भी यही उस रात को सॉरी यही होता है

तो दैट पर्सन वन रोप इन हिज हैंड एंडफ इन हिज हैंड और वो जो है कीजिया की तरफ धीरे धीरे आ रहे हैं स्माइलिंग और वो स्माइलिंग एक्सप्रेशन है तो उस तरीके से वो सामने आ रहे हैं एंड कीजिया जो है वो हिल भी नहीं पा रही अपनी पोजिशन सेट एबल टू मूव शी स्टैंडिंग सो दिस इज द नाइट मेर उनको दिखता है नॉ बिकॉज ऑफ दट दिस नाइट मेयर वो कर अपन शी ओपन हर आइज शी नोटिस

फ्राम यू नो अ जायंट टू अ पर्सन विद लार्ज हार्ट सो कीजियाँ जो है ओब्वियसली वो पहले समझ नहीं पाती बिकॉज शी इज़ नॉट मेच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड बट आफ्टर वर्ड शी अंडरस्टैंड क्योंकि फादर या पेरेंट्स जो हैं दे आर मैन टू लव यू एंड ओनली दे आर द वस हु वुड लव यू लाइक दी मोस्ट इन दिस वर्ल्ड और कोई नहीं कर सकता उतना बट ऑब्वियसली कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ यू नो सर्कमस्टांसिस होते हैं बिकॉज ऑफ विच जो इरीटेशन होता है वह निकल जाता है बच्चों पर एंड दैट इज़ समथिंग कीजिया ऑल्सो एक्सपीरियंस फ्रॉम मई फादर साइड बट नाउ शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड द that whatever she had you know as a perspective for a father that was definitely not true clear all right